रुद्रपुर में सीएनजी टेम्पो यूनियन ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जन जागरूकता टेम्पो रैली का आयोजन किया, जिसमें टेम्पो यूनियन के अध्यक्ष सुब्रत कुमार विश्वास के नेतृत्व में विशाल रैली का आयोजन हुआ। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में आरटीओ अधिकारी विपिन सिंह ने सीएनजी टेम्पो चालकों की मांग 16 किलोमीटर तक के परमिट के लिए आश्वस्त किया कि जल्द से जल्द सीएनजी टेम्पो यूनियन की मांग के ऊपर कार्य किया जाएगा। सीएनजी टेम्पो यूनियन के लिए रुद्रपुर के अंदर जगह निर्धारित की जाएगी। आरटीओ अधिकारी विपिन सिंह ने झंडा दिखाकर टेम्पो रैली का प्रारंभ किया। सैकड़ों टेम्पो चालकों ने जागरूकता सीएनजी टेम्पो रैली में भागीदारी की और देश के स्वतंत्रता सेनानियों और देश के लिए अपनी जान निछावर करने वाले देशभक्तों को याद करते हुए रुद्रपुर से लेकर दिनेशपुर से होकर रुद्रपुर गांधी पार्क में रैली को समापन किया। आज यहां पर हमने रैली किया 15 अगस्त के उपलक्ष्य में। स्वतंत्र दिवस मनाने के लिए सभी टेम्पो यूनियन वाले हमारे यहां खड़े आए थे। इन लोगों ने भागीदारी करा और एक भव्य रैली का आयोजन किया, जिसमें कम से कम 100-150 टेम्पो थे और जिसमें कहीं ना कहीं आज हमने देशभक्त जो हमारे देश के लिए स्वतंत्र सेनानी थे, जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, उनको नमन किया। हम लोगों ने यहाँ झंडारोहण किया और आज हमारे बीच में आरटीओ ऑफिसर हमारे विपिन जी पहुँचे थे। उन्होंने हमारे परमिट के लिए भी हमारी बात की, 16 किलोमीटर परमिट के लिए उन्होंने आश्वासन दिया और टेम्पो यूनियन की विभिन्न मांग थी, उन मांगों को लेकर आज हमने यहाँ पर एक रैली का आयोजन किया। और जो ट्रैफिक रूल्स थे उसके बारे में विपिन जी ने हमें बताया और क्या क्या हमें करना चाहिए किस तरह से। और एक मिथ था यहाँ रुद्रपुर के अंदर, जो वसूली चलती थी पैसों के अवैध रूप में पुलिस प्रशासन और पुलिस वालों के नाम पर, आरटीओ के नाम पर, तो उसके मिथ को दूर करने के लिए आज हमारे विपिन जी ने हमें बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। जो एक अगर कोई परेशानी हो तो हमें उनके पास सीधे जाना है, कोई अवैध तरीके से कर रहा है तो हमें आवाज़ उठानी है। तो इसी को लेकर आज बहुत सारी एक देश की आज़ादी के दिन में एक उत्सव मनाने के लिए हम लोगों ने आज यहाँ पर गांधी पार्क में कार्यक्रम किया और एक भव्य रैली का आयोजन किया था। पहले तो मैं टेम्पो यूनियन को, सभी सीएनजी धारक जितने टेम्पो यूनियन हैं, मैं सबको यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए 15 अगस्त के मौके पे मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत आभार। और दूसरा, मैं इस मौके के माध्यम से सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएँ भी देता हूँ और साथ में ये भी मैं आश्वासन देता हूँ कि जो भी आप लोगों की मांगे हैं और जो भी आप लोगों की समस्याएं हैं, उचित मंच पर और उचित अधिकारियों के साथ, जैसे आप लोगों ने कुछ पार्किंग की समस्याएं, अन्य समस्याएं बोला, तो उसके लिए जैसे मैंने आपसे बोला कि एक ज्ञापन और एक लेटर आप लिख के भेजिए उप जिलाधिकारी के माध्यम से, सीओ ट्रैफिक के माध्यम से, और स्वयं मैं भी उपस्थित रहूँगा, उसमें जो भी आप लोगों की समस्याओं का निदान हो सकता है उसके लिए भरसक प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। 15 अगस्त पे टेम्पो यूनियन वाले सारे लोग मिलके हमने एक रैली निकाली, जो हमारे आरटीओ साहब विपिन सर यहाँ आए थे, उन्होंने हमें सारे कानून जो रास्ते थे सारे बताए हमें और हमसे कहा, हमने कहा दिनेशपुर से हमें इधर आना है गांधी पार्क में दोबारा लौट के। हमारा ये टेम्पो यूनियन की रैली थी 15 अगस्त के उपलक्ष्य में, इसलिए आरटीओ ऑफिस आए यहाँ सर, उन्होंने पूरा नियम और उसका ट्रैफिक रूल का पूरा आश्वासन दिया। इसके साथ में हम पूरा दिनेशपुर होके घूम के अपने मेडी सिटी से घूम के हुए गांधी पार्क।